हाय गाइस, आपका स्वागत है द ड्यूटिकल चैनल पे। मेरा नाम है नीताशा सिंह और आज हम करेंगे अनबॉक्सिंग हमारे एक बजट सेगमेंट डिवाइस की, जो कि क्या है, हमारा लेटेस्ट सैमसंग की तरफ से M02S। बहुत सारे लोगों को चाहिए होता है कि बजट सेगमेंट में एक नॉन चाइनीज ब्रांड का फोन, उनके लिए ये देखा जाए तो काफी अच्छी ऑप्शन निकल के आती है। अब फटाफट से इसको अनबॉक्स करके देखते हैं कि ये डिवाइस हमारा कैसा है। सो ये रहा हमारा बॉक्स। सबसे पहले आप देख सकती हैं कि बैक साइड में हमारे पास यहाँ पे कुछ स्पेक्स मेंशन है कि आपको डिवाइस के अंदर इन्फिनिटी वी डिस्प्ले मिलता है, ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है, 5000 mAh की बैटरी मिलती है, 196 ग्राम का है डिवाइस हमारा। तो खोलते हैं फटाफट से बॉक्स को और निकालते हैं डिवाइस को। So, ये रहा हमारा डिवाइस, जो कि आप देख सकते हैं काफी अच्छा नजर आ रहा है डिवाइस देखने में। मेरे पास इसका ब्लैक कलर है, वैसे आपको इसका ब्लू और रेड कलर के भी दो शेड मिल जाते हैं। ब्लैक में भी डिवाइस की लुक जो है वो अच्छी नजर आ रही है। प्रिज्म का डिजाइन मिलता है हमें बैक साइड में, प्लास्टिक बॉडी मिल जाती है आपको इसके अंदर, और डिवाइस के अंदर जैसे कि हमें 5000 mAh की बड़ी बैटरी मिल रही है, उस हिसाब से आपको ये ज्यादा हैवी नहीं लगेगा। आप इसको एक हाथ से भी होल्ड करके इजिली यूज कर सकते हैं। सिर्फ 196 ग्राम्स का है, एजेस हमारी पूरी तरह कर्व्ड है और 9.1 mm इसकी हमारी थिकनेस आती है। इंटरफेस की अगर मैं बात करूं तो आपको इसके अंदर फिजिकल वाला फिंगरप्रिंट लॉक नहीं मिलता है, और उसके अलावा आपको इसके अंदर 3.5 mm हेडफोन जैक भी मिल जाता है, टाइप सी पोर्ट मिलता है, नीचे हमारे स्पीकर्स भी आते हैं, और आप इसके अंदर अपनी दो सिम कार्ड के साथ एक मेमोरी कार्ड भी लगा सकते हैं। अब फटाफट से मैं इसको करती हूँ स्विच ऑन और आपको बताती हूँ कि अंदर हमें क्या क्या मिलता है। आएगा अगर ये डिवाइस हमारा 8000 रुपए के प्राइस में आता है तो एच डी प्लस डिस्प्ले हमारा ठीक है। अगर 10000 रुपए के प्राइस में ये डिवाइस हमारा लॉन्च होता है तो उस हिसाब से फुल एच डी प्लस डिस्प्ले हमें इसके अंदर मिलना चाहिए था। वैसे आप देख सकते हैं डिस्प्ले हमारा लुक वाइज देखने में काफी ठीक लग रहा है। अब इसके साथ आगे अगर मैं बात करूं डिवाइस के ऑडियो आउटपुट के बारे में, तो इसके अंदर हमें सिंगल स्पीकर मिलता है नीचे की साइड, और यहाँ पे आप सुन सकते हैं इसके ऑडियो का सैंपल। बजट के हिसाब से अगर हम देखें तो आपको ऑडियो काफी ठीक मिल जाता है। आवाज हमारी फट नहीं रही थी, यहाँ पे फुल पे मैंने करी हुई थी 100% पे वॉल्यूम। अब आगे अगर मैं बात करूँ डिवाइस की परफॉर्मेंस के बारे में, तो इसके अंदर हमें मिलता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 450 का प्रोसेसर, जो कि हमारा थोड़ा पुराना प्रोसेसर है, मतलब बजट के हिसाब से अगर हम बात करें। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा एंटूटू स्कोर जो आया वो भी हमारा कम है, 99,000 हमारा एंटूटू स्कोर है इस डिवाइस का। इसके साथ आपको डिवाइस के अंदर मिल जाते हैं एडिनो 506 के ग्राफिक्स, उसके साथ आपको वन यूआई 2 का इंटरफेस मिलता है जो कि बेस्ड है हमारे एंड्रॉइड 10 पे, और उसके साथ हमारे पास यहाँ पे 4GB 64GB वाला वेरिएंट है जिसमें आपको जो हमारी रैम है वो मिलती है LPDDR3 रैम। डिवाइस के एक्चुअल में अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो आपको ऑप्टिमाइजेशन काफी अच्छी मिलती है, जिससे कि ओवरऑल परफॉर्मेंस हमारी काफी सही निकल के आती है। मतलब आप नॉर्मल डे टू डे वर्किंग की बात करेंगे तो वो आपकी यहाँ पे आराम से हो जाएगी। इवन अगर मैं गेमिंग की बात करूँ तो मैंने डिवाइस का गेमिंग टेस्ट कर दिया है, जिसके अंदर मैंने हैवी गेम्स खेली थी, एक है हमारी शेडो फाइट 3, स्टैंड ऑफ 2, और उसके साथ कॉल ऑफ ड्यूटी भी मैंने इसके अंदर खेली है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इसके टेस्टिंग वीडियोस का लिंक मिल जाएगा, जहां पे आप देख सकते हैं कि 1 आवर की टोटल गेमिंग में मुझे इस डिवाइस में एक्चुअल में कैसी परफॉर्मेंस मिली। अब इसके साथ आगे अगर हम बात करें डिवाइस की बैटरी के बारे में, तो इसके अंदर हमें मिल जाती है 5000 mAh की बड़ी बैटरी, जिसके अंदर आपको बैटरी बैकअप जो है वो काफी अच्छा मिल जाएगा। मतलब जैसे कि HD प्लस हमें इसके अंदर डिस्प्ले मिलता है, उसका कंजप्शन काफी कम है, तो आपके नॉर्मल यूजेज में 2 दिन तो ये डिवाइस आपकी निकाल ही देगा। इसके साथ अगर हम बात करें चार्जिंग की, तो बॉक्स के अंदर यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें मिल जाता है 7.5 वॉट का चार्जर। आपको यहाँ पे काफी टाइम लगने वाला है चार्ज करने में, मतलब 7.5 वॉट के चार्जर से 5000 mAh की बैटरी को चार्ज करने में टाइम लगेगा। चार्जिंग टेस्ट जैसे ही मैं कंप्लीट करती हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। वैसे ये जो डिवाइस है हमारा 15 वॉट की फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है, और मेरे हिसाब से 15 वॉट वाला ही मिलना चाहिए था, 7.5 वॉट वाला तो बहुत टाइम लेगा। इसके साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें मिल जाती है टाइप सी केबल, और उसके नीचे है हमारी इजेक्शन पिन,
इसके साथ यहाँ पे आते हैं हमारे कुछ डॉक्यूमेंट्स। अब इसके साथ आगे अगर मैं बात करूं डिवाइस के कैमरास के बारे में, तो हमें ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है इस डिवाइस के अंदर बैक में, जिसके अंदर यहाँ पे आप देख सकते हैं सैंपल्स के साथ ही मैं आपको दिखाती हूँ। हमें मिलता है 13 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, जिसकी पिक्स देखी जाए तो हमारी काफी ठीक आई है बजट के हिसाब से। उसके साथ आपको 2 मेगापिक्सल का मैक्रो शॉट मिलता है, 2 मेगापिक्सल का हमारा डेप्थ सेंसर मिलता है और 5 मेगापिक्सल का हमारा सेल्फी कैमरा मिलता है। बैक कैमरे की पिक्स तो हमारी काफी ठीक आई है, मतलब 13 वाला हमारी ठीक पिक्स लेता है। और सेल्फी कैमरे की अगर बात करूं तो 5 मेगापिक्सल मुझे यहाँ पे परफॉर्मेंस वाइज कम लगा, मेरे हिसाब से 8 मेगापिक्सल का हमें कैमरा यहाँ पे फ्रंट में मिलना चाहिए था। सो गाइस, ये था हमारा सैमसंग का बजट सेगमेंट का डिवाइस। आप लोग मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये फोन कैसा लगा। टेस्टिंग आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मैं जल्द वापस आऊंगी और इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। सो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।